रीवा में इस महीने कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं और इसी को देखते हुए रीवा के कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन ने अवैध परिवहन पर भारी वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिव अग्रवाल, खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित और आरटीओ विभाग ने ओवरलोड बालू का परिवहन करते 11 हाईवे को जब्त किया है। सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उनके निर्देशन में कल राजस्व, पुलिस और आरटीओ विभाग ने एकत्रित होकर संयुक्त रूप से कार्रवाइयाँ की, जिसमें 11 डंपर रेत के जो है ओवरलोड थे जब्त किए गए और ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी।